ये देख पा रहे हो दोस्तों, श्रद्धालु गण किस तरीके से यहाँ पर सोए हुए चारों एरिया में देख पा रहे हो। चारों ओर कहाँ लाओ था ये आप मना साजा है ये बीमे तरह साजा देवकर वाले साजन करे अब देखा व्यवस्था के हिसाब से नहीं व्यवस्था नहीं भोले बाबा की साहब भोले बाबा हम लास्ट की तक वही है भेजी वही है उपाय करे उपाय अपने हिसाब से चला थी तक काका मन्नत पूरा हुए सब मन्नत पूरा हुआ भोले बाबा आराम भैया हर राशि लग जाए एकदम सर सर आज नहीं हाँ एकदम धाम अब हम निकला नहीं धाम हजार के भाई बिगड़ी स्कूल में जाएगी क्या कर नहीं जाए जब सर हाँ श्री शिवाय नमस्ते जी। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कथा पंडाल कोड़िया में। कथा पंडाल कोड़िया में देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है लगातार। रात की ये व्यवस्था मैं पूछने वाला हूँ, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, दाई बहतारी से बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, खाना पीना रहना, मतलब पूर्ण जानकारी आप लोगों को इस ब्लॉग पर मिलने वाली है। रात की व्यवस्था एकदम बहुत ज़्यादा गंदगी गंदगी है और यहाँ के कुछ लोगों से मैं बात किया हूँ बिना कैमरे के पीछे, तो यहाँ पर जो है व्यवस्था की बहुत ज़्यादा तारीफें हुई है, वो भी उल्टी कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है यहाँ पे, व्यवस्था उतनी खास नहीं है। चलिए एक बार दर्शक श्रद्धालु से बातचीत करते हैं, उसके बाद पता चलती है किस तरीके से यहाँ पर कथा पंडाल में व्यवस्था है। सारी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले मैं सामने कोर जाऊँगा, आइट साइड पब्लिक श्रद्धालु और जो है बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत करेंगे, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये देख पा रहे हो दोस्तों श्रद्धालुगण किस तरीके से यहाँ पर सोए हुए चारों एरिया में देख पा रहे हो। चारों ओर ये देखो उधर से लेकर उधर तक और सामने की ओर दिखाता हूँ एक बार, उस साइड भी भजन कीर्तन चल रहा है। अभी हम लोग चलेंगे इस साइड के पंडाल में चले गए हैं, बीच वाला है उस साइड वाले में जाएंगे तो तीसरे नंबर के पंडाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फर्स्ट पंडाल के बगल में तीसरा पंडाल में गए थे, उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पे आ गए, ये थर्ड पंडाल है, सेकेंड वो था, थर्ड ये है। तो अभी देखो इस तरीके से लोग यहाँ पर सोए हुए चारों ओर भाई, अपना अपना कार्य करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे कीर्तन के पास आ चुके हैं, बहुत जबरदस्त हो रहा है भजन। देखो दाई मन बैठे है बढ़िया सुपर पूरा सब जन सूते बैठे हैं और ये भजन भाई जबरदस्त टाइप में यहाँ पे नाचन गाना चला थे, ओए हो जबरदस्त, ये मत दर्द ना है भैया। ओ भाई देखा ना गोपाल बीच में जाओगे का हाँ जी पहले भूल कर ली तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अम्मा जी से की बात करते हैं। राजमन से कहाँ लाया था ये आप मना साजा है ये बीमे तरह साजा देवकर वाले साजन करने में फिर बहुत साजा करो नहीं यार नहीं कौन खाना पारक में हरो हाँ तो पारक आओ तुम्हें कहाँ रहते हो जिंदा रे जिंदा रे देखा हाल है तुम्हें बता जिंदा रे स्टार नहीं मैं तुम्हें नहीं चिंदा आटा पारक करने में मैं तो यहाँ क्या तारा क्यों तारा कर रहा है ना अरे कौन व्यवस्था कैसे है आप देखा व्यवस्था के हिसाब से नहीं व्यवस्था नहीं भोले बाबा की साहब
भोले बाबा हम ललाट की तरह वही है भेजनी वही है लाही ओके देख भैया YouTube में देखा नहीं प्रदीप मिश्रा वीडियो हां हां तू इसमें दिखाई लेकिन हमार चैनल दूसरा रे हां दिखाई घर वाले मतलब कीवे दिखाई तो देखा मन मोबाइल पर चला था नहीं चला बाबू मन चला का मैं देख प्रदीप मिश्रा का वीडियो मां जी ये मत टीवी पर ना देख टीवी पर देखा बाबू मैं है ना दिखाते मोबाइल के साल हो गए तुम प्रदीप मिश्रा जुड़े मोला दे दे कुछ उपाय उपाय करें उपाय अपने हिसाब से चला सकता का मन्नत पूरा हो मन्नत पूरा बोले बाबा कृपा बरसाए भगवान जोरदार पैदल आया हूँ भैया हर राशि लग जाते एकदम एकदम निकला नहीं खेती किसानी नहीं करे नहीं भैया हम राजपूत राजपूत है हम खेती वाले भैया तो बहुत जन दाई मतलब ना बहुत दिक्कत हो रहेंगे भारी दुनिया है ना ऑटो तो भलो नहीं चला जहाँ तक नहीं चला नहीं चले हम नहीं निशुल्क चालू हुई लेकिन चालू नहीं हुई मुहमी देखे अभी तक नहीं देखा डेली आवा था डेली देखा था कुछ नहीं दिखे मगर निशुल्क कुछ नहीं दिखा नहीं निशुल्क नहीं हम नहीं पहुँचाया नहीं पहुँचाया निशुल्क का कैसे ना तो 25 रुपया ऑटो वाले दे हम देखने का अभी खाना वाना खा भर गए चना आलू और अब एक सब्जी दी से चना आलू भात मैंने जोरदार अभी मतलब 2-3 दिन तो अभी रुकू बढ़िया कथा वथा सुनो मस्त जोरदार जगह हुआ हेलो मिल गया आज आया तो मजे फटाक ले मोर सुन गए कहां पा है ना देखा से ये बजे का सुबह मां नानी बजे सुधार के नानी बजे देख रहे जगह मिले तो मैं तब कहां हो नहीं तो हम तो हरे दिन ना तुम बोले साथ ही नहीं देखे बहुत आ रहा दोपहर में पूरा पड़ी है जबरदस्त एकदम फिर भी बहन गए भीड़ ना लगे करो देखे हम ग्रुप में नहीं जा सकते हमारी बस्ती से भीड़ रही एकदम पड़नी है मैं तू बहरे चल दे भाई देख के आ रहे हूँ भगवान के दर्शन कर रहे हूँ काली जी मंदिर हूँ सामने को थी भगवान तो बाहर लेके हो गई एकदम दूसरी भैया हमारी ना कहाँ ना है आपकी सरोज राजपूत बने बने दाइक मिले साझा डार कह रहे क्यों तरह के और हम साझा में पढ़ाई करें भैया 5-6 साल तक साझा के बारे में तो बहुत कम जानता दाइल पूछो भाटा पारा जानता का भाटा पारा में पढ़े हूँ मैं है रिथो किस तरह में किस तरह में से किस तरह में आते हूँ साझा में पढ़े पर आते हूँ दाई तो किस तरह कहते हैं हाँ साझा में पढ़े लाते हूँ पढ़े हूँ वहाँ ओखर बाद अभी ग्रुप में भिलाई मिलता हूँ वहाँ पढ़ लिख के वहाँ गाँव खेती किसानी है घर गुरु है सबो परिवार इधर हम भिलाई में हाँ एक हर सी दिन मैं तुला के साझा के हूँ साझा तुम जाना जाना है पूरा परिवार बसे चलो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और यहाँ तक वीडियो अगर देखो तो लाइक शेयर कमेंट करो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो ताकि नवा नवा वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म भाई और सबो जन उपयोग करेल कहा सब कर केरवा से आए कहा सनवारी में देख वीडियो सब करते हैं कोई नहीं छूटा लड़का उसका का है के सलाम को यो पूरा सनवारी लड़का मन को पूरा अच्छी में बन नान नान मान नान नान हां चल के भाई बिगड़ी स्कूल में जाएगा क्या कर नहीं जा जा कर हाथ में डाली हमारी मांगेगा पानी का पानी नहीं अब जल के जाते और हर एक बच्चा बच्चा घर घर के मन जल चढ़ाई आते और सब मनोकामना घर पूरी होती है जोरदार है भैया तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ये बने रहो बाय 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 जय जोहार जय छत्तीसगढ़।